नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बमीठा के ओटा बुरवा में घर से लापता 17 वर्षीय लड़की की दो दिन बाद लाश कुआं में तैरती संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। परिजनों ने गाँव के ही सजातीय तीन लड़कों पर लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करके लाश को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। माँ बाप मजदूरी करने दिल्ली गए थे। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की 12वीं में RDS स्कूल बमीठा में पढ़ती थी, अपनी दादा दादी के पास घर में रहती थी। मंगलवार की रात 12 बजे लड़की घर से लापता हो गई है। गुरुवार को शाम के वक्त चरवाहा ने पनिया कुआहार खेत में लड़की की लाश तैरती देखी है। उसने घर वालों को बताया, पुलिस को सूचना दी। बमीठा थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रात्रि में ही शव को कुएं से निकलवाकर राजनगर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सुबह SIL टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं शव परीक्षण किया है तथा डॉक्टरों की टीम ने शव का PM किया। शुक्रवार की शाम 6 बजे लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही रवि अमर गुड्डू एवं कुछ और हॉस्टल के लड़कों पर गैंगरेप कर लड़की की हत्या का कुआं में फेंकने का आरोप लगाया है। बमीठा पुलिस ने धारा 363 मर्ग कायम कर पुलिस जाँच में जुटी। भाई क्या हो गया, क्या सी घटना हुई बता। करके ले गए अंदर से। कितने लोग थे? पता नहीं साहब कितने लोग थे, हम तो बाहर थे। जिनकी रिपोर्ट क्या हुआ है बता सकती हूँ? कुछ बच्चे से साथ गलत व्यवहार करके कुएं में पटक दिया, सारा शरीर नोच रखे, सब कुछ। कौन कौन लोग थे, नाम बता दो। नाम है पता? नाम एक गुड्डू है और एक रवि और एक अमन। क्या चाहती हो, क्या चाहती है? फांसी की सजा चाहते हैं हम, हमें आ चाहिए हमारे बेटा को। कहा होगा भैया, कहा होगा, कब पता चला? हमको तो अभी कल पता चला शाम को कि लैस कुएं में पड़ी है। घटना कौन दिन की है? घटना है 27 तारीख सवेरे को चला हमको पता 8 बजे। बच्ची कब लापता हो गई थी? बच्ची कौन से दिन? बच्ची 26 तारीख को रात को लापता हो गई 1-2 बजे रात में। और कुछ कहना चाहती है? और बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। क्या चाहती हूँ? इनको तो सजा मिलना चाहिए, वो भी फांसी से बेहतर सजा मिलना चाहिए इनको। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।